फॉर वॉचिंग अलर्ट इंडिया न्यूज। जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी की जानिब से बीएससी थर्ड ईयर के इम्तिहानात के ऐलान हुआ, तो वहीं जिला कठुआ के हिरानगर तहसील के मरहूम गिरदारी लाल डोगरा मेमोरियल कॉलेज की तालिब इलम उपासना ने 83% नंबरात हासिल किए। इस मौके पर उपासना शर्मा ने अलर्ट इंडिया न्यूज के साथ खास बातचीत करते हुए कहा कि अगर आप अपनी मंजिल को हासिल करना चाहते हो तो अपनी मंजिल की तरफ ध्यान दें, तो तभी आप अपनी मंजिल को हासिल कर सकते हो। हीरानगर के सरहदी इलाके शेरपुर की रहने वाली उपासना शर्मा ने 83% नंबरात हासिल करके अपना और अपने गांव का नाम रोशन किया। क्या नाम है आपका? कितने मार्क्स लिए आपने बीएससी में? तो आगे क्या एम है आपका? तो किसका क्रेडिट आप किसको देना चाहते हैं? और जहाँ पे बॉर्डर एरिया लाइट की समस्या भी रहती है, तो आप क्या कहना चाहते हैं समाज और लोगों को? चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो तो जो आपका एम होता है ना, वो उसको छोड़ना नहीं, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स कितनी भी डिफिकल्टी आए, लेकिन हमेशा ना मेहनत करते रहना, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स हो। वो भी बताइए। मेरे आई थी 10th में 92% और 12th में आई थी 96%। मेरा नाम राजेंद्र कुमार है और मैं गांव शेरपुर से रहने वाला हूं। आज मेरा सीना जो है ना गर्व से फूल गया है कि आज हमारी लड़की ने जो, क्योंकि जहां पे जो एरिया है हमारा रूरल एरिया बैकवर्ड एरिया समझ लो, क्योंकि बॉर्डर एरिया में जहां पे डिस्टर्ब भी रहता है, कभी फायरिंग में भी बच्चे पढ़ते पेपर होते हैं और दूसरा आने जाने में काफ़ी लेंथी प्रोसेस है, मेट्रोडोरों में जाना, धक्के खाते हुए बच्चों ने पढ़ना और मेहनत करके, और आज इन्होंने हमारा और पूरे गांव का पूरे एरिया का नाम रोशन कर दिया है। तो मैं इतना ही कहूँगा कि और साथ में हीरानगर जो कॉलेज का भी नाम ऊंचा कर दिया है, और चाहते हैं कि आगे भी इस एरिया के बच्चे, क्योंकि इतनी डिफिकल्टी होते हुए भी अगर इनकी देख के इनका राह लेके वो भी मेहनत करें और वो भी बढ़ें कुछ, तो इतना कहूँगा कि इनका काफ़ी मीडिया का और लोगों का कॉलेज का सबका शुक्रिया अदा करें। हीरानगर के शेरपुर गांव से सौरभ वर्मा, अलर्ट इंडिया न्यूज़।